लेकिन खुदा की कसम वो मर्द मुजाहिद है, वो मर्द मुजाहिद है जिसने गोली एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार गोलियां लगने के बावजूद वो लाहौर में बैठे। आप लोग जो सैलरी लेते हो ना, वो मेरी जेब से निकले हुए टैक्स है, इस आवाम की जेब से निकले हुए टैक्सीज है। हो सकता है यहाँ से मैं अभी चांदनी चौक भी ना पहुँचूँ तो मुझे गिरफ्तार कर ले। बिलावल साहब, आपको बिलावल साहब कहना शर्म की बात है। बिलावल बेबी साहब, आपकी फिल्टर खत्म हो गई है, तो बड़े मेहरबानी हमारे सरों पर मुसल्लत इम्पोर्टेड हुकूमत से भी गुजारिश है और मेरी पीडीएम की 14 जमातें स्वीडन के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकी, जो कि मेरे वजीर आजम इमरान खान साहब उठा रहे हैं आवाज, और दूसरा ये कोई कारकुन से छोटा मोटा कारकुन नहीं है। मैं आशिक हूँ कई लोग कहते हैं कि ये फला बंदा नवाज शरीफ का आशिक है, कई कहते हैं शहबाज शरीफ का है, कई बिलावल का, कई मरियम नवाज का, लेकिन मैं कहता हूँ मैं आशिक रसूल हूँ। खुदा की कसम, इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन, मेरे रब्बुल आलमीन का फरमान है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मुझे अगर मुझे खुदा की कसम, अभी तो मुझे पता है कि दो दफा तो मैं थाने में भी रह के आया हूँ, अब हो सकता है यहाँ से मैं अभी चांदनी चौक भी ना पहुँचूँ तो मुझे गिरफ्तार कर ले, खतरा तो होता है। पर मैं कहता हूँ अगर मैं फांसी पे भी चल के नाम लो तो हमारे मुंह से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का जवाब निकलेगा। तो आप लोगों से यही गुजारिश है, तमाम सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, कि मेरी बात यहाँ पे बंद ना करना, इस पूरे पिंडी में इच्छा घुमाना नहीं, ये स्वीडन के भी तरह जाना चाहिए क्योंकि इन लोगों ने कुरान की बेरहमती की है। मैं यकीन माने तीन दफा कुरान पाक खत्म किया हुआ है माशाल्लाह। इन लोगों ने जो बात मैं कहता हूँ ना, इया का नब्दु व इया का नस्तईन, क्योंकि हमारे कायद वजीर आजम इमरान खान साहब ने भी ये बात कही थी, और जो बात मैं ये कहता हूँ ना, मुझे इस बात से दो दफा उठाया गया और भाई की बात के इलेक्शन कमीशन से भी गुजारिश है कि आप लोग जो सैलरी लेते हो ना, मेरा गला जवाब नहीं देता पर मैं बात करके दम लूंगा, इलेक्शन कमीशन से दरखास्त है कि बराए मेहरबानी आप लोग जो सैलरी लेते हो ना, वो मेरी जेब से निकले हुए टैक्स है, इस आवाम की जेब से निकले हुए टैक्सीज है। तो आप लोगों ने क्या कोशिश की कि इमरान खान को नाइल कर दोगे, अल्लाह ना करे अगर जैसे इमरान खान की टांग पे चार गोलियां लगी, अगर शहबाज शरीफ को एक गोली भी लगी होती ना, पता है क्या कहता इलेक्शन कमीशन साहब, मुझे इजाजत दीजिए मैं लंदन में जाके अस्ताम पे जा रहा हूँ, तो मुझे लंदन में भेज दो, मैं इलाज करवाने जा रहा हूँ। तो असद जरदारी साहब को लगती तो वो कहते जज साहब मैं चल नहीं हूँ सकता, मुझे दुबई में भेज दो। लेकिन खुदा की कसम वो मर्द मुजाहिद है, वो मर्द मुजाहिद है जिसने गोली एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार गोलियां लगने के बावजूद वो लाहौर में एडमिट है। खुदा की कसम उसको कई लोगों ने कहा है, कई दीन वगैरह ने भी कहा है कि आप ऐसे करें आप भी बाल चले जाए, हमारा पूरा मुल्क है। उन्होंने कहा मैं अगर बाल चला गया तो इस आवाम का क्या होगा, इस आवाम को पीछे से ये लोग गिरफ्तार कर लेंगे। और आज जब भी
इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की बात आई तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि बराए मेहरबानी हमारे साथ मिल के खड़े हो, क्योंकि मैं तमाम माओ बहनों से भी गुजारिश करता हूं कि मैं निम्को का चेयरमैन हूं। यकीन मानो खुदा की कसम, जब भी कोई बात आती है ना तो लोग कहते हैं ये इतना अमीर है, ये उतना अमीर है, पर मेरे घर में जाके देखो ना, मैं अकेला कमाने वाला हूँ, 10-11 खाने वाली है, पर फिर भी मैं आज छुट्टी पे हूँ। छुट्टी पे होने का ये मतलब नहीं कि मैं कहूँ कि मैं इधर जा रहा हूँ उधर। मैंने साफ सी बात कही है, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ इमरान खान की जान बचाने के लिए। हम लोग वजीर आजम इमरान खान साहब की हाथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे।